अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खैरियत से होगे, अपने अपने घरों में अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआ है आप लोगों से, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज का मौसम ये बना हुआ है कि बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश। तो ये बारिश हो रही है और इतना अंधेरा हो चुका है घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे लाइट चालू करनी पड़ी। ये देखो, सारे काम हो चुके हैं। आज पकाना तो नहीं है क्योंकि कल का थोड़ा सा खाना रखा है। बच्चे लोग ने कल भूत चढ़ा था वेज खाने का, तो कल क्या बन क्या छोले पूरी मंगा के कुछ खाए लोग ने स्विगी से। तो बिरयानी मेरी ऐसी रह गई थी, तो असद ने कहा मम्मी आज दोपहर में खा लेंगे हम लोग ये बिरयानी। तो सारा काम हो चुका है मेरा, अभी बस अभी मैं जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ना है, फिर उसके बाद कुछ काम नहीं क्योंकि काम सारे हो चुके। काम वाली काम करके जा चुकी है, झाड़ू झटका झुटकी जो भी रहता है काम वाली करके चले जाती है। देखो कितना अंधेरा हो गया, देख रहे आप लोग अभी उजाला हुआ। तो सारा काम मेरा हो चुका है। यहाँ देखो अनम के रूम के बहुत अंधेरा है। हाँ अनम आज जॉब के लिए गई है, उसको भी ऐसे कुछ घर का जॉब मिला है, तो 3 दिन कुछ ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद उसको फिर घर पर जॉब करनी पड़ेगी। तो गई है वो, एक्चुअली एग्ज़ाम है उसका अभी 23 तारीख को है, जो आगे वो पढ़ाई करना चाहती है वो 23 तारीख को है। तो 23 तारीख से के बाद फिर फ्री रहेगी वो, तो सोची कि मम्मी कुछ कर लेती हूँ, तो बच्चे को अल्लाह कामयाब करे। कि वही सोचती है कि मम्मी अगर मैं कुछ करूँगी तो किसी की मदद हो जाएगी, वो पैसे से किसी का कुछ अच्छा हो जाएगा। बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है, बाप रे हद से ज़्यादा बारिश है। बस अल्लाह रहम करे, जो रोज़ के काम वाले हैं उनको अल्लाह ताला बस मुसीबतों से बचाए। बारिश अच्छी भी है और नहीं भी है, जो रोज़ का काम करते हैं उनका क्या हाल होता होगा बताइए। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह जो रोज़ खड्डा खोद के रोज़ पानी पीते हैं उनके अल्लाह रहम करे, उनके ऊपर उनका कोई ज़रिया बना दे अल्लाह ताला बस। तो चलो फिर आगे मिलते हैं। तो अभी दोपहर का टाइम था, हम लोगों ने नेटफ्लिक्स लगाया है और पिक्चर देखेंगे और फिर थोड़ा सा। तो दोपहर का काम सब हो चुका, सब खाना खा चुके थे, फिर मैं सो गई थी क्योंकि नींद आ रही थी दोपहर में। सबको नींद आती होगी ना, मुझे भी बहुत नींद आती है दोपहर में, तो बस ऐसा होता है जैसे मेरी ट्यूबलाइट गुल हो गई। तो बिरयानी तो ख़त्म हो चुकी थी, तो हम लोग ने सोचा आज क्या बनाएंगे। तो असद ने कहा कि मम्मी आज है ना ये बना दो पराठा, आलू का पराठा। तो मैंने कहा ठीक है चलो बना लेते आलू का पराठा। तो ये मैंने आलू ले ली थी, इसको गरम मतलब उबाल ली हूँ, गरम नहीं उबाल ली हूँ इसको। और इसके अंदर मैंने कोथमीर और 2 मिर्ची हरी डाली क्योंकि बच्चे तेज़ नहीं खाते ज़्यादा, तो इसलिए मैंने बस ऐसी डाली। आटा मैंने गून के रख लिया था। और ये मसाले हैं जो हमें ऊपर से डालने हैं। ये धनिया की पाउडर है 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच, और ये ज़ीरा का थोड़ा सा ली हूँ देखिए आप इतना सा, और ये चिली फ्लेक, और ये नमक स्वाद अनुसार। तो अब हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। मैंने एक बार और आलू का पराठा बनाई थी, उसका वीडियो मेरे है इसमें, बट जो लोग अभी नए हैं तो उन लोगों के लिए मैं वापस एक बार और बना देती हूँ, शायद उनको अच्छा लगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर किसी को जो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं सोचती हूँ उसको मैं एक बार और ट्राई कर लूँ, तो क्या है अच्छा होता है ना सबके लिए। तो ये मैंने इसमें मिक्स कर दी, आप देख सकते हो इसका मसाला बहुत ही टेस्टी है, नमक वगैरह सब बराबर है। और मेरे घर में मेरे बच्चे इसी तरह खाते, कुछ लोग प्याज भी डालते हैं मगर मेरे घर में मेरे बच्चे नहीं खाते प्याज, उन लोग को इसमें नहीं पसंद है किसी भी चीज़ में, उनको अक्खी प्याज नहीं पसंद है, अजीब से बच्चे है वो मेरे। तो ये मैंने अच्छे से कर लिया है, मैं इसको साइड में रख देती हूँ, अभी हम आलू का पराठा बना लेंगे। तो ये मैंने पेड़ा बना ली हूँ ऐसे इस तरह से, तो आप लोग भी बना लो ताकि इजी रहता है बार जल्दी जल्दी करने में। तो ये हम खुश्की लगा देंगे। हाँ ये मैंने पोंछ के लिया अच्छे से प्लेटफॉर्म, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि देखो ये इसी पे शुरू हो गए। अच्छे से मैंने इसको धोया फिर पोंछे फिर इसको यूज़ किया। तो आप लोग भी, मैं कर सकती थी पटले पे लेकिन वो क्या हिलता है ना पटला, तो फिर नहीं जमता मुझे, तो इसके लिए मैंने ऐसा लिया। तो मैं इस तरह से सारी रोटियां बना लूँगी और फिर स्टफिंग करूँगी।
तो ये हमने एक बेल ली, ये मैंने एक बेल लिया, सॉरी मैं बोलने में थोड़ा ये हो गया, ये बेल ली मैंने। अब मैं इसमें ये स्टफिंग रखूँगी। मेरे घर में इसी तरह से बच्चों को पसंद है, वो जो स्टफिंग डाल के जो लगाते हैं ना, तो वो लोग नहीं खाते, बोलते कहीं पर आता है कहीं पे नहीं आता, ऐसा बोलते ऐसे। तो अभी मैं इस तरह से सारे भर लूँगी और फिर उसके ऊपर एक डालूंगी। तो इस तरह से मैंने इस पे डाल दी। अब ये वाली रोटी हम लेके इसके ऊपर बराबर से, मेरे घर में ना इसी तरह खाते हैं लोग। अगर मैं दूसरी तरह से बनाऊंगी ना तो बोलते मम्मी एक जगह आया स्टफिंग एक जगह नहीं आया, और मेरे से ना वो भरता नहीं है जल्दी, स्टफिंग टूट जाती रोटी मेरे से। तो जिनको नहीं बनाना आता है तो वो इसी तरह बना सकते हैं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं पराठा। तो ये एक पराठा भी अगर कोई खा लेना तो तबीयत खुश। तो मैं बताती हूँ बाद में इसको सेक के, अभी मैं सारे बना लेती हूँ पहले फिर बताती हूँ। अच्छे से इसको साइड की कॉर्नर है ना इसकी, अच्छे से हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे दबाना है तो स्टफिंग सब जगह हो जाती है। देखो तो मैं एक और भर के आपको बताती हूँ, देखो ये कैसे मैंने भर लिया है, ताकि किसी को समझ में नहीं आए। तो अच्छे से हल्के हाथ से हमें प्रेस करना है, ज़्यादा करेंगे तो नीचे चिपक जाएगा। ये रोटी हमें इसके ऊपर रखना है, अगर ये हमारे बराबर नहीं है तो इसे खींच के आप लोग बराबर कर लेना, क्योंकि मैं रोटियां गोल नहीं बेल सकती, मुझे नहीं आती है। मुझे ना रोटी बनाने का काम बहुत बेकार लगता है। मेरी बहन जो है ना वो बहुत अच्छी रोटी बनाते, इतनी अच्छी रोटी बनाते कि उसकी रोटी मुझे खुद को बहुत पसंद है। अक्सर मैं जब वहाँ सुबह जाती हूँ तो मुझे, मैं उसको बोल देती हूँ आपा मुझे सुबह पराठे चाहिए, तो मैं दो दो पराठे खा लेती हूँ उनके हाथ के, बहुत पसंद है मुझे उनके हाथ के पराठे। और घर में सब बच्चों को उनके हाथ की रोटी बहुत पसंद है, मेरी बड़ी बहन के हाथ की, हम लोग सब खाते हैं। तो ऐसा है, तो मेरी रोटी थोड़ी छोटी बड़ी हो जाती है तो मैं उसको ऐसे घिसट के टाइट कर, मतलब सही कर लेती हूँ। तो ये दो पराठे बन गए मेरे। अभी असर जब नमाज़ पढ़ के आ जाएगा तो हम लोग एक्चुअली नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग खाना खा लेते हैं, पहले से आदत है स्कूल के टाइम से ही, और घर में कुछ रहता नहीं है करने को तो बस हो जाता है काम। तो फिर चलो बाद में, तो आ जाइए मेरे साथ पराठा बनाने के लिए। तो मैंने अभी पैन रख दिया है गरम होने के लिए, और मैं ले लेती हूँ घी। और आपके पास अगर तेल घी जो भी हो आप यूज़ करो, बट मेरे पास ये असली घी है, ये असली घी है जो मैं यूज़ करूँगी। एक्चुअली मेरे घर में अनम को और मुझे घी बहुत पसंद है, और हम लोग ज़्यादातर ये घी हर चीज़ में डाल के खाते हैं, और अच्छा भी और टेस्टी भी होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पराठा असद के लिए। तवा अच्छा गर्म हो चुका है क्योंकि असद को पहले देते हैं हम लोग हर चीज़, उसे बर्दाश्त नहीं होता है ना इसके लिए। तो पराठा तो मैंने बहुत बार बनाई हूँ, ये बार भी कुछ अलग होगा। आप लोग देखो रेसिपी और अपने घरों में बनाओ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए, और हम लोग भी खा सकते हैं, सुबह में टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो ये मैंने डाल दिया, अब ये सेके जा रहा है, अच्छे से सेकना है आगे पीछे करके। फ्लेम थोड़ी स्लो रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे नहीं तो जलने जल जाएगा वो। तो असद को पसंद है मीठी दही, तो मैंने दही लिया है और उसमें शक्कर डाल दी हूँ। तो असद मीठी दही खाएगा, आनम चटनी खाएंगी। मैंने आज टमाटर और मिर्ची लहसुन की चटनी बनाई हूँ क्योंकि आनम को चटनी बहुत पसंद है। ये देखो ये वाला चम्मच आप लोग मेरे पास देख रहे होगे, ये जब मैं पराठा वगैरह बनाती हूँ ना तभी निकालती हूँ ये चम्मच, नहीं तो मैं बेसिकली वो सारे चम्मचों से काम करती हूँ, या तो फिर सिलिकॉन का चम्मच है जो उससे काम करती हूँ, बट जब मैं पराठा वगैरह बनाती हूँ तो ये वाला चम्मच ले लेती हूँ।
और ये अमूल बटर है वाइट वाला, ये हमारे यहाँ मिलता है, तो ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। असद को, असद को बहुत पसंद है ये वाला बटर, तो इसके ऊपर हम डालेंगे असद के लिए। देखो कितनी अच्छी तरह से मैंने सेकी हूँ, आप लोग भी इसी तरह सेको, जलाओ मत, क्योंकि जलेला बच्चे खाते नहीं हैं। कोनी भी बराबर से अच्छे से दबाओ उसको। मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि शायद और भी बच्चे नहीं खाते होंगे। और बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है। आटा है और जो बोलते बटाटा वगैरह, सारी चीज़ें सस्ती है, अच्छी है, तो बनाने में कुछ ये नहीं है। बच्चों को कुछ कभी अलग दे दिया करो खाने के लिए, तो अच्छा लगता है बच्चों को। ये मुझे मेरे बच्चों से पता चला कि बच्चों को कुछ अलग देने से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सिर्फ हल्का सा घी लगाया है, अभी मैं इसके ऊपर बटर डालूँगी। अच्छे से सेक रही हूँ मैं इसको, ताकि कहीं से कच्चा ना हो ये। देखो रोटी फूल भी रही है मेरी, और ऐसे रोटी बनाऊँगी ना तो फूलती नहीं है जल्दी, और देखो अभी फूल रही है बराबर से। तो बस यही है, अभी हम इसको उतार लेंगे। तो ये रहा असद का पराठा, जो कि मैंने इस पे वाइट बटर डाला है, आप देख सकते हो ये वाइट बटर है, ये रेडी हो चुका है। और मैंने इसको पिज़्ज़े की तरह कट कर लिया, ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो। तो ये बन रहा है अनम के लिए पराठा। अनम को चाहिए घी ज़्यादा, और उस पर बटर आमुल मस्का भी चाहिए उसको। बल्कि जब मोटी हो रही हूँ तो अच्छे से मोटी हो जाती हूँ ना, ऐसा है। तो मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी, और मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, तो करूँगी मैं कोशिश, और इससे भी अच्छा करके दिखाऊँगी। अल्लाह से दुआ कर रही हूँ बस मैं, कि अल्लाह बस मुझे कोई अच्छा सा रास्ता दिखाए, और जो भी करूँगी अपने बलबूते पे करूँगी। बस आप लोग साथ देना, आप लोग मेरे दुआओं में मेरे मुझे याद रखना, और बस यही है कि आप लोग मेरे साथ हो तो ही मैं आगे बढ़ूँगी। और मेरे घर वाले जो है, जितने लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए, बस उनके साथ चाहिए और आप लोगों की दुआएं चाहिए मुझे, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द से जल्द मैं कुछ करके दिखाऊँ, और तब अल्लाह मुझे मौत दे या जो भी है अल्लाह ताला, मगर मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने से, बस यही दुआ है। तो मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा दुआ में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और बहुत ज़्यादा मुझे दुआ दो, और मुझे दुआ करना, मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह से। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में अल्लाह ताला, और सबकी रोज़ियों को अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। मेरी तो यही दुआ रहती है हमेशा सबके लिए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप लोग भी दुआ कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।